श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती भी प्रशंसक थी। एक दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद बड़े ही ज्ञानी है, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को इसी अहंकार के कारण बंदर बनना पड़ा था। ये सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री भगवान से पूछा और पूरा कारण जानना चाहा। तब श्री शिव ने बताया, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग ना छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयले कूकने लगी, भौरे गुंजान करने लगे। कामग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दे, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात भी मुझे बताई है उसको श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये भी बात जाके ना बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा श्री हरि को कह सुनाई। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वो सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। और इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी और इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो भी विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत ना सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और अच्छी बातें कह दी। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें पूरी बात बता दी और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। वहां पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी
ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर कर आए। विष मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विष मोहिनी भी थी, उनसे हो गई। उसे देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट भरी हुई है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विष मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहन करना पड़ेगा। और मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़ेगी। नारद के शाप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए शाप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता था, इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने नारद जी के पास आकर उनके चरणों में गिरकर कहा कि हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके कारण हमें आपसे शाप मिल चुका है। अब हमें अपने शाप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली भगवान तेजवान राक्षस बनोगे और अपने भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।